हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको भी पूरी प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, और इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके पर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने इस वाले ट्विटर अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। इस वाले ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ऊपर कॉर्नर की तरफ आपको एक फोटो मिल जाएगा, फिर प्रोफाइल आइकन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा आपका जो अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हो क्या वही अकाउंट है यहाँ पर, तो आपको चेक कर लेना है। जैसे आप चेक कर लो तो यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, आपको सिंपली क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा योर अकाउंट का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए डीएक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कई सारी डिटेल्स आएंगी, तो आपको इन डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लेना है, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ डिटेल्स आपको क्या बता रही है। ये जो भी डिटेल्स आपको बताई जा रही है पूरी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए डीएक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपने जो भी पासवर्ड सेट कर रखा होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन है जो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस ट्विटर अकाउंट, तो आपको सिंपली क्या कर देना है यस डीएक्टिवेट का ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो ट्विटर अकाउंट है सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो जाएगा, सिंपली आपको गॉट इट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ट्विटर अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद में अब इससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हो ना, उस दिन से लेकर के 30 दिनों के अंदर अंदर तक आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो डिलीट तो हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेली डिलीट होता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। टेम्परेली डिलीट के अंदर क्या होता है कि आप अपने ट्विटर अकाउंट को वापस से ला सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो भी ईमेल आईडी उसको डालना है, अपना जो भी पासवर्ड उसको एंटर करना है और आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपकी जो रिक्वेस्ट थी ना ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने की वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। और यदि आपको अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली ही डिलीट करना है यानी कि बाद में कभी भी आप उसको एक्सेस ना कर सको, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद में आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब ट्विटर अकाउंट को डिलीट हो जाने के बाद में एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहां पर आपने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर जो यूजर नेम सेट किया था, क्या वो यूजर नेम अब आप किसी दूसरे अकाउंट के अंदर डाल सकते हो या फिर कोई भी बंदा आपका उस यूजर नेम को अपने अकाउंट के अंदर सेट कर सकता है? तो इसका आंसर मैं आपको ये देना चाहूंगा कि हाँ, आपके उस यूजर नेम को अब कोई भी बंदा सेट कर पाएगा। मान लीजिए मेरा यूजर नेम था अर्निंग प्लानर, अब अर्निंग प्लानर वाली यूजर नेम की जो मेरी आईडी थी ट्विटर की, अगर मैं उसको डिलीट कर दूं तो डिलीट करने के 30 दिन बाद में क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा अर्निंग प्लानर यूजर नेम सेट करेगा ना, तो उसका वो यूजर नेम सक्सेसफुली सेट हो जाएगा उसको वाली आईडी के ऊपर। लेकिन 30 दिन से पहले अगर वो सेट करने की कोशिश करेगा तो सेट नहीं होने वाला, उसको रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।